हाँ जी बच्चे, फॉर स्टार्टिंग विद द सेकंड टॉपिक फॉर द रिवीजन टेस्ट वन सिलेबस, दैट इज द टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन. एंड फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन. व्हाट इज द रेस्पिरेशन? यस, टेल मी व्हाट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज द breakdown of food, also the intake and giving out of oxygen and carbon dioxide respectively. So this involves basically the two further processes, biological processes. What are the two further processes for respiration? That is first breathing. Breathing is totally different from respiration. Breathing is a physical phenomena. Respiration is a biological phenomena. Breathing, this involves only the exchange of gases, coming in of the oxygen and going out of the carbon dioxide. That's it. बस इतना काम है ब्रीदिंग का. लेकिन जब ऑक्सीजन अंदर गई है, हमारे अंदर गई है, वो वहां जाके कर क्या रही है, बायोलॉजिकली कैसे इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज द सेकंड फिनोमेना. वी कॉल इट एज सेलुलर रेस्पिरेशन. व्हाट इज द नेम फॉर दिस? इट इज सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर वे में यानी सेलुलर प्रेटस में जाके ये क्या करेगा, फूड अवेलेबल जो है ऑलरेडी, जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा उसमें हमने कल पढ़ा था, दैट इज एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा. एसिमिलेशन से क्या होता है, द फूड इज ऑल गिवन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना, वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी इवन. तो जब सेल के पास पहुंच गया है, हमारे पास सारा जो फूड है यानी कि ग्लूकोज है, वो सेल्स के पास पहुंच चुका है, देयर इट इज ब्रोकन डाउन फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन. हमने हमेशा बोला है एसिमिलेशन के साथ एक वर्ड, यूटिलाइजेशन, है ना. Assimilation does only not depend upon कि सिर्फ spread करना. Assimilation जो step है वो ये भी involve करता है कि आगे उसको spread करने के बाद वो utilize कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, utilize किस तरीके से हो रहा है, ये भी उसमें involved है. Clear? So what is in breathing is we are taking in oxygen. Oxygen goes to the cellular apparatus through the cellular respiration. There the oxygen makes the change in which the glucose is broken down. Glucose gets broken down in the presence of oxygen because we are what type of organisms? Aerobic or anaerobic? Aerobic. Aerobic respiration is in the presence of oxygen. ठीक है ना. तो यहाँ पे glucose और oxygen जब combine किए तो क्या resultant आएगा? Carbon dioxide and water. Carbon dioxide plus water plus some of the energy which we require for our daily life processes, ठीक है, life processes or the works what we are doing उनके लिए. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, this will be further exhaled out, carbon dioxide goes out, so only this much is the breathing and that much all is the cellular respiration, ठीक है. So all together makes up the biological phenomena called as a respiration. We call this respiration not only the biological phenomena but also biochemical phenomena. ठीक है, बायोकेमिकल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि लिविंग सिस्टम में है प्लस केमिकल्स साथ में इन्वॉल्व है, सो दिस इज बायोकेमिकल फिनोमेना. यू मे गेट टू हैव एन एमसीक्यू लाइक, आपको ये पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सूट्स बेस्ट फॉर सेइंग दैट रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल फिनोमेना. ठीक है, बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इन लिविंग्स, बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इन द लिविंग्स विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स और द एंजाइम्स दे आर राइटिंग. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स एंड द वेरियस चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द लिविंग सेलुलर अपरेटस और एनी ऑफ द अदर टूल, लेट्स से. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज द ऑप्शन विच सूट्स बेस्ट इज द बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इन द लिविंग अपरेटस, सेलुलर अपरेटस, ऑल्सो इन्वॉल्विंग द एंजाइम्स. अब मैंने तो यहाँ पे एक छोटी सी रिएक्शन लिख दी, दिस इज नॉट जस्ट अ सिंगल रिएक्शन, ये इतना सा छोटा सा रिएक्शन नहीं है. दिस रिएक्शन दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ दिस इन्वॉल्व्स नियरली 20 प्लस रिएक्शंस इन दिस and nearly 20 plus enzymes in this. ठीक है, ये जो एक सिंपल सा कन्वर्जन हो रहा है, राइट, सो दैट इज ये सिंपल सा कन्वर्जन हम यहाँ पे तो लिख रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन इसमें छोटा सा काम नहीं है, बहुत सारी रिएक्शन. अब ये होता है ब्रेक डाउन पाथवेज, पाथवेज फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज. हम लोगों ने पढ़े हैं दो तरीके से रेस्पिरेशन जो है इसकी टाइप्स, फर्दर दो टाइप्स हैं, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. We have also differentiated the two. हाँ जी, फटाफट से बताइए मुझे, what are the differences? Aerobic takes place in the presence of oxygen, anaerobic in the absence of oxygen.
This takes place usually in higher organisms, this in the lower organisms. What is the amount of energy given with this? Aerobic. 36 or 38 ATP molecules. आपके एमसीक्यू में 36 भी लिखा हो सकता है या 38 भी लिखा हो सकता है. एंड इफ नॉट पॉसिबली, तो अगर वहां पे 36/38 लिखा है वो तो करेक्ट है ही है, अगर नहीं तो 36 और 38 में से कुछ भी एक हो सकता है. ठीक है, सो दैट इज द अमाउंट ऑफ द एटीपी व्हिच इज जनरेटेड थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड व्हाट थ्रू एनएरोबिक? 2 ATP molecules, only 2 ATP molecules. That is why these are not supporting the higher organisms. Anaerobic respiration ज़्यादा support नहीं करती है higher organisms को. क्यों? क्योंकि हमारी requirement बहुत ज़्यादा है. हमारी requirement क्यों ज़्यादा है? As compared to amoeba, why we require more of the energy? क्यों है? क्योंकि हम complex organisms हैं, multicellular हैं, हमारे में organ, organ system, organ levels बने हुए हैं. जिस वजह से हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए. इन कंपैरिजन टू प्लांट्स, ह्यूमंस को ज्यादा चाहिए या नहीं, या एनिमल्स को एनर्जी? यस ऑफ कोर्स, वो भी मल्टीसेलुलर हैं, हम भी मल्टीसेलुलर हैं, उनमें भी ऑर्गन्स हैं, हमारे में भी ऑर्गन्स हैं, लेकिन हमारे में कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल ज्यादा है क्योंकि उनके ऑर्गन्स गिने चुने से, दैट इज रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, बड, यही चीजें हैं बस, है ना. और हमारे में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और बहुत सारे सिस्टम्स हैं रादर. ठीक है, वी आर स्टिल मोर कम्प्लेक्स दैन द प्लांट, सो वी रिक्वायर मोर ऑफ द एनर्जी. सो दिस इज 36 और 38 ATP molecules, नॉट 37. ठीक है, इंटरमीडिएट 37 अमाउंट नहीं आता है, 36 और 38 ATP molecules, एंड हियर इट इज 2 ATP molecules. व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? वॉटर, कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद वॉटर आर द एंड प्रोडक्ट्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. जो लिखा एनएरोबिक के लिए क्या है? एसिड और एल्कोहल. एल्कोहल कौन सा और किसमें बनता है? एसिड और एल्कोहल. यू सेड दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स. इन व्हाट टाइप ऑफ द सेल्स द एसिड इज फॉर्म्ड? इन व्हाट टाइप ऑफ सेल्स? मसल सेल्स. व्हेन इट इज डन? व्हेन इट इज मेड? व्हेन देयर इज द रिग्रस एक्सरसाइजेस और द हैवी एक्सरसाइजेस वी आर परफॉर्मिंग. And under those conditions, our muscle cells, they could not get the oxygen, proper amount of oxygen. Lack of oxygen results into anaerobic respiration. Anaerobic breakdown of glucose. Glucose तो टूट रही है, लेकिन anaerobically. ठीक है, अब anaerobically टूटा तो कौन सा acid बनेगा? Lactic acid. Lactic acid क्या करेगा आगे further? Lactic acid क्या करेगा? क्रैम्प्स क्रिएट करेगा. दैट आर कॉल्ड एज अ मस्कुलर क्रैम्प्स. हाउ कैन वी प्रिवेंट दीज मस्कुलर क्रैम्प्स? यस, विद द हेल्प ऑफ द हॉट वाटर बाथ और द हॉट ऑयल मसाजेस. ठीक है, देन एल्कोहल कौन सा है? इथाइल एल्कोहल. इथेनॉल, इथेनॉल कल्ला मिलता है? एसिड कल्ला मिलता है एज अ बाई प्रोडक्ट और नॉट? विवान, विवान जी टेल मी, एसिड जब बनता है एनरोबिकली तो ये क्या अकेला होता है या इसके साथ कोई बाई प्रोडक्ट होता है? एसिड अकेला होता है और इट इज अकम्पेन्ड विद एनी ऑफ द बाई प्रोडक्ट? यस, एनी वन रेज अप योर हैंड. हाँ जी, अकेला होता है, दिस इज अकेला होता है. लैक्टिक एसिड इज ओनली वन यील्डेड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ एनरोबिक रेस्पिरेशन. एंड वॉट अबाउट दिस एल्कोहल? एनर्जी तो है लेकिन बाई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ सम केमिकल. यस, एल्कोहल इज ए कंपाउंड विद कार्बन डाइऑक्साइड बट नॉट एसिड. ठीक है, यू कैन गेट टू हैव एमसीक्यू जहां पे एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है. आप इतनी छोटी छोटी चीजों को नहीं देखते हो. ठीक है, अब के जब भी आप लोगों ने पेपर में एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, बच्चे प्लीज लिसन ऑल ऑफ यू, जब भी आप लोगों ने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, मेट बी फॉर योर रिविजन टेस्ट, मेट बी फॉर योर दीज पीटी एग्जाम्स, और इट इज फॉर द टर्म वन एग्जाम, बिकॉज दीज एग्जाम्स आर फुली ऑफ योर एमसीक्यूज. ठीक है, पूरा का पूरा एमसीक्यू का बना हुआ पेपर है आपका. और अगर आपको एमसीक्यूज में आपने थोड़ी सी भी जल्दी करी एंड यू पीपल हैव नॉट रेड अ सिंगल वर्ड, लेट्स से, ठीक है, आपने एक अक्षर नहीं देखा, उस एक अक्षर से ही मीनिंग चेंज हो जाता है. क्वेश्चन में, आंसर में आपका आंसर बहुत नियर बाय आंसर्स आएंगे. ये नहीं है कि फार ऑफ आंसर्स आ रहे हैं विच आर नॉट इवन द टर्म्स कंसर्न्ड, उसमें से क्वेश्चन पूछ रहे, ऐसा नहीं होगा. अगर सपोज पूछे आपको कि व्हाट इज द एंजाइम इन्वॉल्व्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और वहां पे एक लिख रहे हैं अमाइलेज और बाकी तीन ऑर्गन्स के नाम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे. ठीक है, लिवर, पैनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वन इज अमाइलेज,
दैट इज अंडरस्टूड. वो तो तीन ऑर्गन है, वो एंजाइम है, इतना आसान नहीं आएगा. ठीक है, दिस वोंट बी बिल्कुल फार ऑफ द टॉपिक. इट विल बी फ्रॉम विद इन द टॉपिक एंड द टॉपिक विल ऑल्सो बी लाइक गिविंग यू द आंसर्स विच आर वेरी क्लोज बाय, वेरी वेरी क्लोज बाय. ठीक है, यू हैव टू फिगर आउट कि वहां से आंसर हमें किसको देना. ये तब दिया जाएगा जब आप ध्यान से पढ़ेंगे बोथ क्वेश्चन एंड आंसर. ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, रीड करना है, एंड देन ओनली यू विल बी पॉसिबली गिविंग द आंसर्स. क्लियर? सो दीज आर द टू टाइप्स, दैट इज एरोबिक एंड एनएरोबिक, एंड डिफरेंसेस वी हैव स्टडीड हियर. लीडिंग टू द फर्दर, व्हेन दिस ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज टेक्स प्लेस, हाउ इट टेक्स प्लेस, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड व्हेन देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज. द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन्वॉल्व्स द वेरियस प्रोसेसेस. दिस इज नाउ द ग्लूकोज हैज टू बी ब्रोकन डाउन. What is the formula for the glucose? First of all, C6H12O6. So C6H12O6, jo hai, that is a six carbon atom compound. We can say, okay. So glucose is what? It is a six carbon atom compound. It breaks down, forming the pyruvate or pyruvic acid. This is pyruvate, also called as pyruvic acid. You must know the other names also. Because the question may carry the other name. ठीक है, हो सकता है आपके question में other name हो सकता है आपके answer में other name हो. अगर आपको पता ही नहीं है other names, तो आपका answer complete नहीं हो पाएगा. ठीक है, pyruvate और pyruvic acid. This pyruvate is a three carbon atom compound, right? From a single six carbon atom compound, how many pyruvates will be formed? Two, because these are three carbon atom compounds. So this is one glucose breaking down, forming the two pyruvates. Now each of the pyruvate enters a cycle for aerobic respiration. First of all, ठीक है, हर pyruvate जो है दोनों में से दोनों pyruvates इकट्ठे cycle of the reactions, that is the cyclic changes of the reactions को undergo करते हैं, and hence results into the formation of these two byproducts in the presence of oxygen. If the oxygen is present, ये इंटरमीडिएट बनना ही बनना है. रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, इंटरमीडिएट कॉमन है. ठीक है, व्हाट इज कॉमन इन द एरोबिक एंड एनएरोबिक पाथवेज? द पाइरूवेट इज कॉमन, इंटरमीडिएट इज कॉमन. ओके, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ फर्स्ट स्टेप, दैट इज ग्लूकोज टू पाइरूवेट, दैट इज अगेन अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, एंड दिस सीरीज ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइको lysis, that is a series of reactions involved in the breakdown of the, what is that, glucose to pyruvate. Then in the presence of oxygen, pyruvate enters a cyclic changes in the reaction forms, hai na, those are called as, that cycle is called as Krebs cycle. What do we call it as? It is Krebs cycle, K-R-E-B. Krebs cycle. It's a cyclic representation of all the chemical changes that are taking place, resulting into the carbon dioxide and water as an end products. Ab batao, one glucose breaks down fully in the presence of oxygen, forming how many carbon dioxides? How many carbon dioxide? Six होंगे. क्यों six होंगे? Balance करेंगे तो six होंगे. यहाँ पे आपने एक और logic लगाया है कि ये six carbon atom compound है. ये three था तो two बने हैं. ये तो single carbon atom compound है ना? तो six carbon से कितने carbon dioxide निकलेंगे? Six, है ना? तो ये भी तो logic लग सकता है. Balancing भी करोगे. Otherwise also, this is six carbon dioxide which are formed by the breakdown of one glucose. One molecule of glucose is broken down, forming the six carbon dioxide molecules. Got it? ठीक है, ये six carbon atom compound है, carbon dioxide one carbon atom compound है. तो जब भी पहले टूटा था तो three वाले दो बनाए थे, अभी single वाले तो छह ही बनाएगा ना फिर. हाँ, वो तो balance ही है, वो भी six ही निकलेंगे, ये भी six ही है, oxygen भी six ही involve हो रही है. ठीक है, वो तो बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन आप जब भी करेंगे यू विल गेट ऑल राइट. अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी पाइरूवेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द सिक्स कार्बन एटम्स, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड्स,
two pyruvates, two together are involved in six carbon dioxide formation. ठीक है, but for the making of three carbon dioxides, one pyruvate. Can we also call this question as कि how many carbon dioxides will be the resultant of a single Krebs cycle? How many carbon dioxides? Listen to the question. How many carbon dioxides will be formed as a result of a single Krebs cycle? Three. Why three? Because two of the pyruvates are separately undergoing the Krebs cycle. एक pyruvate अलग, दूसरा pyruvate अलग. एक pyruvate ने तीन carbon dioxide बनाए, दूसरे ने Krebs cycle चला के तीन carbon dioxide बनाए. A total of six. ठीक है. So question can be framed in any manner. It can be framed in any ways. Any type of the question can be formed in any ways. The only thing which is with you is the concept. ठीक है. यहाँ पे rote learning नहीं चलेगा. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट चलेगा. MCQs term one में सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट चलेगा. Right? So this is the first when there is presence of oxygen. The second pathway involves the absence of oxygen. Now, when there is absence of oxygen, there are two ways. That is the acetanil CoA's production separately in different kind of the cells which are involved. So there are two further ways, that which is not having the oxygen's contact for the breakdown of the glucose. There is absence of oxygen. Have you got it? Right. In the absence of oxygen, if I talk about the lower organisms like yeast cell, what is the scientific name of the yeast? What is the scientific name of yeast? I think I have told you in the class also. You may also get the scientific names of the commonly used living organisms. Humans ke liye Homo sapiens likh ke aa gaya, to wahan confuse mat ho jana. Hint, it starts from S. It is Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces, ये बहुत अच्छा नाम है बेटा. Saccharomyces cerevisiae, that is yeast. This is the scientific name. अच्छा, okay. If you can learn it, you can, you must learn it. Otherwise, if not, then at least use it for the identification of the question that we are talking about the yeast. Okay, we are talking about, if in questions you get what will be the end product of the anaerobic respiration in Saccharomyces cerevisiae, by reading the name only you will be confused. This is yeast. Okay, so in the living organism like yeast, lower organism, what are the end products? Haan ji Akshit, what are the end products? Yes, Akshat ji, Mehul, what are the end products of this reaction? Haan ji, Mehul, Dhruv, lactic acid in yeast. Dhruv, haan ji, batao. Dhruv ji, bataiye. What is that? Ethanol and carbon dioxide. Yes, it is ethanol and carbon dioxide. And the next is Krishan. I'll ask you next. Hanji, raise your hand, Krishan, and tell me what in absence of oxygen, if it is in the muscle cells, what will be formed? What is formed? What are the byproducts formed by the muscle cell? Hanji. Lactic acid. Bolo Krishan. I could not hear your voice. Mere khayal se voice. Lactic acid and two ATP molecules. Haan ji, so listen, this is muscle cells mein se jo mil raha hai, that is what? Lactic acid. Is it along with the carbon dioxide? No. Haan ji, Riyan ji, aap bataiye mujhe, what will be the resultant after lactic acid formed? What it will result into? Riyan, muscular kya? Cramps, muscle cramps. This will lead to the formation of the muscle cramps.
एंड दीज आर डिजॉल्व्ड बाय हाँ जी हॉट वाटर बाथ एंड हॉट ऑयल मसाजेस. सो दिस इज व्हाट दीज आर द ब्रेकडाउन पाथवेज फॉर द ग्लूकोज. द ब्रेकडाउन पाथवेज फॉर द ग्लूकोज दिस इज इट. These are the pathways and the complete reactions. Okay. The only one name of the processes which you need to learn is in glycolysis and the Krebs cycle. Okay. Got it? Anji? That was only the person who has studied it for the first time. Because majorly you get the words in bio as only for the persons, those who have given it. Like this is also called as a TCA cycle. ठीक है तो उसमें भी नाम है तो इस तरह से मतलब दैट इज ऑल द एक्सपेंशंस ऑफ द नेम्स गिवन फ्रॉम दोस अदरवाइज नो पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस. लाइसिस टर्म जैसे है दैट टर्म मींस ब्रेकिंग डाउन. ग्लाइको मींस द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन फर्दर फॉर्मिंग द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है अलॉन्ग विद दिस वी ऑल्सो स्टडीड सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड विद योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. सिस्टम्स डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिस्टम का डायग्राम आपको जरूर से आएगा लेकिन उसमें लेबलिंग जो है वो अलग तरह से आ सकती है. यू कैन बी आस्क्ड टू मैच द लेबलिंग्स. मैच द लेबलिंग कैसे होता है सपोजिंग यू आर गेटिंग द डायग्राम. दिस इज द माउथ एंड द नॉस्ट्रल्स. देन इसके बाद देयर वाज लेरिंग्स. ठीक है देन देयर इज द ट्रेकिया. आई एम जस्ट मेकिंग द रफ वन. देन देयर इज अ डायफ्राम एंड देन दीज बाइफर्केट फॉर्मिंग द ब्रोंकियोल्स है ना. And then the lungs, something like this. ठीक है अब यहाँ पे अगर ये question में आपको यहाँ पे labeling आती है let's say this is A, B, बच्चे please listen now, C and D. ठीक है you can shift here. हाँ जी listen. So this is these are the ABCD labels. ठीक है you are also provided the labels in the form of 1, 2, 3, 4. ये इस तरह से आपको labels दे दिए हैं. ठीक है अब लेबल्स में आपको क्या किया है उलट सुलट दे दिया. ठीक है यू आर गिवन समथिंग डिफरेंटली. यू आर आस्क्ड टू लेट्स से देयर इज ट्रेकिया देन देयर इज डायफ्राम लंग्स है ना. लंग्स है एक और क्या है लैरिंग्स. ठीक है तो ये आपको लेबल्स दे दिए हैं एंड योर आंसर्स दे कंसिस्ट ऑफ द आंसर्स ए बी सी डी ऑप्शंस. दे कंसिस्ट ऑफ व्हाट. Your A option says A matches with 1 or B says A matches with 2, A matches with 3, A matches with 4. ऐसा ठीक है. अब ये matching से आ गया. This is C and this is D. अब यहाँ पे ही आपको और change करके साथ में कुछ ना कुछ sequence सही भी आएगा ना. Sequence कहीं ना कहीं पे तो सही भी आएगा हमारे पास. तो what that sequence will be? देखो A is what? 4. ठीक है ये वाला हमारा सही जाएगा. देन उसके बाद B इज व्हाट ट्रेकिया. सो यहाँ पे मैंने B 1 लिख के देना है. हमने आपको सारी ऑप्शन लिख के देनी है आपने फाइंड आउट करनी. ठीक है C इज 3 लंग्स. देन 4 इज व्हाट D इज डायफ्राम. डायफ्राम इज एट नंबर 2. ठीक है सो ये हमारे पास एक करेक्ट सीक्वेंस है. यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चन लाइक दिस ऑल्सो. यू विल बी मैचिंग द थिंग्स both diagrammatically as well as a match the columns question. ठीक है अब match the column में क्या होता है. आगे तो आपके पास होता था जब आप junior classes में पढ़ते थे match the column. वहां आपके पास आता था one column they have specified that they are writing the organs. ठीक है on the second side they have written their secretions let's say. ठीक है अब यहाँ पे आपको लिखा पढ़ा नहीं आएगा कि उसके अंदर क्या show कर रहे हैं. हो सकता है उसके फंक्शन हो सकता है उसके फीचर हो सकता है उसका सिक्रेशन हो कुछ भी हो सकता है मिक्स्ड हो. मिक्स भी हो सकते हैं. मतलब क्या है अगर मिक्सिंग है तो आपके यूजुअल अभी तक क्या आप लोगों ने पढ़ा है इन योर मैच द कॉलम्स क्या होता था. देयर इज कॉलम ए देयर इज कॉलम बी ऐसा दो कॉलम्स और क्या होता है यहाँ पे चार क्वेश्चन है लेट्स से. लेकिन आंसर्स यहाँ पे हमारे पास 10 है. क्वेश्चन 4 है आंसर्स 10 है. 10 क्यों है क्योंकि मेनी ऑफ दीज आर हैविंग द मल्टीपल आंसर्स. मेनी ऑफ दीज विल बी हैविंग मल्टीपल आंसर्स एंड यू विल बी गेटिंग द ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. अगर मल्टीपल आंसर्स हैं जैसे बी के यहाँ पे 3-4 आंसर्स हैं तो बी के लिए हमने यहाँ पे 3-4 अलग अलग आंसर्स आपके मैच करके देने. यू विल हैव टू फिगर आउट बाई योर ओन दैट हाउ दिस मैचिंग इज पॉसिबल.
these kind of the questions will definitely be there in your these exams for sure. That is your September exams, PT exams. यहाँ पे तो जरूर होंगे क्योंकि this requires a bit of, not a bit, but much of your brainstorming. बहुत ज्यादा आपको अपने दिमाग को हिला के उसमें से ये चीजें निकालनी पड़ेंगी. ठीक है, सो दैट इज यू शुड बी वेरी मच फ्रीक्वेंट, यू शुड बी वेरी मच क्विक टू आंसर द थिंग्स, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली अगेन पॉसिबल जस्ट व्हेन यू आर गुड टू हैव योर कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी. है ना, रट्टा मार के आएंगे तो कुछ नहीं होने वाला बेटा. इवन फॉर द डायग्राम, इवन फॉर द डायग्राम आई हैव मेड हियर टू कॉलम्स. I've shown you the matching of the two columns. These are the labels and their names. I can create a third column also. A, B, C भी बना सकते हैं हम, third column बना देते हैं. Third column में let's say उसी का function लिख रहे हैं साथ में. ठीक है, यहाँ उसका कोई unique feature लिख रहे हैं. जैसे trachea है तो उसके लिए लिख देंगे covered with cartilaginous ring. और larynx है having the epiglottis, flap-like structure, opening glottis. ऐसा कुछ भी मतलब समझ गए. तो यहाँ पे क्या है, third में हमने उसके features लिख दिए. अब आपको क्या करना है, तीन चीजें मैच करनी है, दैट इज लेबल, उसका नाम, फिर उसका फीचर. तीन तीन चीजें यहाँ पे ढूंढोगे फिर, एंड दैट इज इट इज बिकमिंग मोर कम्प्लेक्स एज वेल. दैट इज हाउ इट इज बिकमिंग मोर कम्प्लेक्स. यू कैन क्रिएट द कम्प्लेक्सिटी टू एनी लेवल, है ना. द पेपर विल नॉट बी 100% सिंपल, द पेपर विल बी 50% सिंपल एंड 50% और मोर देन दैट विल बी हार्ड. ठीक है, that will be a thoughtful questions will be there, obviously, for sure the thoughtful questions will be there. And for the only one thing which I want to say for all these tough and toughest type of the questions, only one thing which is to be maintained in your minds, that is to clear the concepts, not to have the rote learning for this. Ratte nahi maarne, ab humne koi points nahi yaad karne, ab aapne koi cheeze yaad nahi karni hai, aapne is tarah se nahi yaad karne ki ये इसका आंसर आ गया, ये लिखना है मैंने, ऐसा वैसा कुछ नहीं. यू आर टू जस्ट रीड, यू आर टू अंडरस्टैंड, यू आर टू गिव द आंसर, दैट्स इट. आंसर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, आंसर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, बट यू आर टू लोकेट फॉर द करेक्ट आंसर एंड दैट टेक्स टाइम. ओके, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. एनीबडी वॉन्ट्स टू एस्क एनी क्वेश्चन बिकॉज योर टाइम इज गोइंग टू बी ओवर. एनीबडी वॉन्ट्स